चलो एक काम तो हो गया, दूसरा काम भी निपटा लेते हैं। लेकिन ये तो पता चले जाना कहाँ कहाँ जाएंगे यार। हाँ भैया। चुटकी? जी भैया बोली। वो कल टाइम पे पहुंच जाना। पता है हमें, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। अपनी तैयारी तो कर ली, हमारी तैयारी तो करवाओ। अरे हमें ये बताओ कि तुम्हें मैडम जी शादी के वक्त शॉपिंग कराने कहाँ लेके गए थे? बताते। अच्छा हाँ ठीक है ठीक ठीक बाय। आ जाने तू, तब बताती हूँ। कोई अपनी पत्नी का बर्थडे कैसे भूल सकता है? बड़ा मैडम जी करता रहता है, सब झूठ। लगता है दोनों एक साथ उभरने वाले हैं, हमारा जाना ही ठीक रहेगा। माँ जी आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए था, हम तो कुछ बनाने आए थे। क्या बनाने आए थे? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किस खुशी में माँ जी? कहीं आप भी तो सुमिंद्र की बातों में नहीं आ गई? ना। हाँ ना माँ जी, आप क्या कह रही है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कल के मैच के लिए गुलाब जामुन बनाने आई है ना? किसने कहा गुलाब जामुन? नहीं तो आपने गुलाब जामुन कहा था। अरे हमने नहीं कहा गुलाब जामुन, हम तो यहाँ गुलाबो जी के बारे में पूछने आए थे। गुलाबो जी? गुलाब जामुन गुलाबो जी? माँ जी हम यहाँ पूछने आए थे कि वो गुलाबो जी गई ना अपने गाँव, तुम छोड़ के आए थे। सुमिंद्र जब बस में बैठाने गया था तो उसने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे तो उनके बारे में सोचते ही बहुत बुरा लग रहा है माँ जी, कितनी अकेली हो गई होगी। अकेली तो हो गई होगी, बाकी तुम चिंता नहीं करो, बहुत दिलेर औरत है और वैसे भी तुमने उनको बहुत कुछ सिखाया है। तो सिखाया तो मैंने आपके बेटे को भी बहुत कुछ है। कब से रजिस्ट्री के लिए गया हुआ है, रात होने आई है लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। तुम उसको फोन कर लो। हाँ लगता है मुझे ही फोन करना होगा, उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना कि एक बार बता दे के कहाँ है क्या कर रहा है। मैं ही फोन लगाती हूँ। तुम कब आए? जस्ट अभी अभी आया। वो आपको ढूंढ रहे थे, आप मिल नहीं रही थी ना तो आपको कमरे में ढूंढ रहे थे। क्यों? कुछ खास बात करनी थी? खास बात है, घर की रजिस्ट्री हो गई है। क्या कहती हैं, एक हक तो बनता है। हाँ हक तो बनता है, जितने चाहो उतना हक बनता है। जाओ जाकर अपने उन क्रिकेटरों को हक करो जिनके नाम का डंका बजा रहे हो कब से। कहाँ ढूंढ रही है? मेरा फोन है अंदर। कमाल कर रही है मैडम जी, अलमारी में कोई फोन रखता है? नहीं यहीं कहीं होगा, वो तकी के नीचे होगा। मुझे तुम्हारी तरह भूलने की आदत नहीं है, तुम अपनी हर चीज भूल जाते हो लेकिन मुझे अपनी हर चीज याद रहती है। जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन के पेपर्स देने आ रही थी तब मैंने अपना फोन यहीं पे रखा था, हटो मुझे लेने दो। अरे मैडम जी कमाल कर रही हैं आप, यहीं कहीं होगा, वो हमने देखा भी था, वो इसके नीचे। हटो यहाँ से। ठीक है विश्वास नहीं हो रहा तो देख लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता। तुम्हें याद रहा? याद रहा? हम कुछ समझे नहीं। ये आपके लिए थोड़ी ना है। पक्का ये मेरे लिए नहीं है? अरे पक्का 110% आपके लिए नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना कि आपके लिए सॉलिटर लेकर आएंगे। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इंडिया जीतेगा पाकिस्तान,
और आपको तो क्रिकेट में इंटरेस्ट भी नहीं, तो आपके लिए खुलाएंगे। तो फिर ये किसके लिए? ये वो इंदिरा के लिए है। उसने जूलर को दिया था कुछ छोटा बड़ा करने के लिए, तो हम मार्केट जा रहे थे तो उसने बोला आती बार लेते आना, तुम ले आए। अच्छा, अब आपको विश्वास नहीं है तो ये लीजिए, फोन ले लीजिए, रिसेंट कॉल में उसका नाम है, देख लीजिए। मुझे कुछ नहीं देखना, और ये जिसकी है उसे वापस कर देना। ठीक। बस आज रात की बात है मैडम जी, फिर हम आपको मजाक तो लेंगे, बस ये रात जल्दी से गुजर जाए। कैसे घोड़े बेच के सो रहे? क्या मेरी बर्थडे है और इसे कोई परवाह नहीं? ये तो करता मूड। क्या हुआ मैडम जी? सुमेंद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उठो ना। कल सुबह बात करेंगे ना, प्लीज सुने दीजिए। सुमेंद्र मुझे अभी तुमसे बात करनी है, उठो। तो कहिए ना मैडम जी। अच्छा तो बताओ वो कौन सा दिन है जो होली, दिवाली, क्रिसमस इन सब के अलावा साल में सिर्फ एक बार आता है? बकरीद। बकरीद तो याद है तुम्हें, इसीलिए दिमाग में बकरीद दौड़ रहे। बकरा कहेंगे, बकरा ईद याद है, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं। उठो सोमेंद्र, मुझे कुछ कहना है, मुझे बात करनी है तुमसे। तो बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। अब चलो दूसरा प्रश्न। किसी इंसान से जुड़ा हुआ ऐसा दिन जो साल में सिर्फ एक बार आता? गांधी जयंती। यस, गांधी जयंती। बताओ वो किस लिए मनाते? अगर इसका जवाब दे दिया तो पता चल जाएगा कि हम बहाना बना रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे इस खर्राटों ने सब बीटेक कर दिया। अरे मैडम जी, आपको तो पता है कि हम खर्राटे लेते हैं, हम क्या करें। लेकिन तुम्हारे खर्राटे सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है आज। ये तकिया और ये ब्लैंकेट, बाहर निकलो, बाहर जाके सो। ये आपका ब्लैंकेट, सॉरी, ये आपका ब्लैंकेट और ये आपका तकिया नहीं चाहिए आपको, हम कल देख लेंगे। तकिया, ब्लैंकेट। ना तो किसी को याद है और ना ही मैं किसी को याद दिला सकती हूँ। आखिर मैं क्यों याद दिलाऊं, मुझे क्या पड़ी है? अपने ही मुंह से अपना प्रचार करो कि सुनो सुनो मेरा बर्थडे, मुझे विश करो हैप्पी बर्थडे टू मी। मैं ये सब नहीं करूंगी। कम से कम इनडायरेक्टली बता तो सकती हूँ, भूल भी तो इंसान से ही होती है ना, लोग ही तो भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनडायरेक्टली बता देती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। सरोजनी, तुम तो सुबह सुबह तैयार हो गई? अरे हम तो अभी बस जगे हैं। आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब वैसे आज तारीख क्या है? 20 तारीख है। हाँ, 20 तारीख। 20 तारीख पक्का? अरे हाँ, क्या हो गया, आज 20 तारीख है, कैसे उछल रही हो तुम, का कोई खास बात है? हाँ खास तो है, है ना, पर हमको याद नहीं आ रहा, इसे कैसे भूल सकते हैं? वो कहा है ना कि अपने दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालो, जो भी खास बेखास होगा निकल के बाहर गिर जाएगा। कुछ नहीं आज, हमें पक्का यकीन है कि आज कुछ खास है। हाँ आ गया, याद आ गया। वो आज वो है ना,
सोमेंदर ने वो कहा बनाया था बैट बॉल वाला, वो क्रिकेट का मैच उसकी तैयारी करनी है आज। हाँ। फिर से मैच, काश इस मैच में आज बारिश गिर जाए। हाँ, आज बर्थडे है। हाँ, आज तो बर्थडे है, बर्थडे है। आज हमारी खास दोस्त का बर्थडे है, हम अभी फोन करके आए। शुक्रिया सरोजनी हमको याद दिलाने के लिए। चलो बताओ हमें कि आज हम कौन सा ड्रेस पहने। ठीक है चलो चलो। वो माजी आज अब दूध। अरे ये सुमंदर बचवा यहाँ कहाँ सो रहा है? अब वो दादी दरअसल कल रात को कमरे में मच्छर बहुत हो गए थे, इसलिए ये बाहर सोने चले आए। ए बचुआ, सुमंदर उठ भाई उठ, सुबह हो गई, उठाओ इसे उठाओ। आप थैंक यू, मैं जानती थी आप 20 तारीख कैसे भूल सकती हैं। और हाँ मामी जी, मामा जी जब घर आए तो उन्हें बोल देना कि मुझे विश करना ना भूले। और सिर्फ विश करने से नहीं चलेगा, मुझे मेरा गिफ्ट भी चाहिए। क्या पहले से ही लाके रख दिया? थैंक यू मामी जी। अरे रिमोट कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ रख देते हैं, बकत पे मिलती नहीं चीज हमारे घर पे। क्या हुआ, ऐसे काहे देख रही है? मामी जी का फोन था, आज 20 तारीख है ना। अरे हर महीना 20 तारीख आती है, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। अरे रिमोट पता नहीं कहाँ चला गया। मनाए भी तो कैसे, किसी को याद ही नहीं है। मत रहे याद, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं फालतू के इस चक्कर में पड़ी, मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। आप सोच रही होंगी कि आपका बर्थडे ही नहीं मनाया जाएगा। अरे क्या मैडम जी, आपको अपने सुमित पर इतना भी यकीन नहीं? अरे आपका बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाएंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं, यहाँ तक कि सुमिंद्र को भी मेरा बर्थडे याद नहीं। इनडायरेक्टली इतनी बार याद दिलाने की कोशिश करी, फिर भी किसी को याद नहीं आ रहा। आज के बाद मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाऊंगी, कभी भी नहीं। ऐसे उदास क्यों लग रही है? मैं उदास हूं तो उसमें तुम्हें क्या है? क्या मैडम जी, अब आपकी चिंता हमें नहीं होगी तो किसे होगी? बताइए ना उदास क्यों है, और आज के दिन तो वैसे भी। तो तुम्हें याद आ गया कि आज के दिन क्या है? हाँ बिल्कुल याद है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है, आप उदास हो गई तो वैसे कैसे चलेगा। जब आप ऐसे गुस्सा होती है ना तो बहुत सुंदर लगती है, अब आप ऐसे गुस्सा रहेंगे तो हम कैसे जा पाएंगे? तुम मत जाओ ना सुमित्र, प्लीज आज के दिन तुम मेरे साथ रहो, मेरी आंखों के सामने हर पल हर वक्त मेरे साथ प्लीज। अब क्यों, आज ऐसी कौन सी बात है? तुम भी ना सुमित्र, आज के दिन
आज हम दोनों कहीं बाहर चले? हमारा भी यही मन कर रहा है मैडम जी, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तुम्हारे लिए बस अपना काम ही इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं। ऐसे मत कहिए मैडम जी, आपसे इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है भला? तुम्हें बस बातें बनाना आता है सुमेंद्र, मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अरे ऐसे अपने भाव से अलग मत कीजिए मैडम जी हमें। जब तक तुम्हें ये याद नहीं आ जाता कि आज के दिन क्या है, तब तक यही तुम्हारी सजा है। ये सजा तो बस आज शाम तक ही रहेगी मैडम जी। अच्छा हम बस यू गए और यू आए, ठीक है? अच्छा प्लीज, मेरा मन कह रहा है आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। अच्छा सुमित्र, आपसे भला दूर हो सकते हैं? अच्छा हम बस यू गए और यू आए, हमें आपका गुस्सा पता है मैडम जी, लेकिन आज शाम तक ये धुल के बिल्कुल साफ हो जाएगा। शाम को जब अपने हाथों से आपको रिंग पहनाएंगे तो उस सुख जो आपके चेहरे पर खुशी होगी, बस उसी खुशी को तो देखना चाहते हैं। अच्छा अब तक सब कुछ अच्छा से हुआ, अब आगे भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आज शाम तक मैडम जी को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और अम्मा अब भावनाओं में बहकर हाय रे मेरी बहुरिया कहकर सबको बता मत देना प्लीज। तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है? अच्छा सबको काम पा, रुको 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 समंदर, क्या मतबल है इसका? हाँ भाई, हमको काम ना करेंगे, ठीक है? तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी रहना, कुछ काम मत करना, बिल्कुल। अरे दादा दादी मेरी बात सुनो, अम्मा आप केक बनाएंगे और दादाजी आप ये ध्यान रखेंगे मैडम जी 2 घंटे तक घर से बाहर रहे, अरे वो डेकोरेशन करनी है ना, अब भाभी आप डेकोरेशन देख लेना और भास्कर भाई वो केटर से बात कर लेंगे, और हम मैडम जी के लिए एक स्पेशल ईवी बनाएंगे, उसमें एक स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड करना है। उनके लिए साड़ी तो लेकर आनी है, हम सारा काम कर कराते हैं। भाभी, भाभी, अरे कहाँ है भाभी? मुझे आपको विश करना है, जल्दी आ जाओ। इंद्रा से आपने कुछ बताया ही नहीं है, वो कहीं सरोजनी को बधाई ना देते, अरे ऐसा हुआ तो सारा पिलानी फेल हो जाएगा। भाभी, तो इंदिरा दीदी की आवाज है, भले ही सब भूल जाए लेकिन इंदिरा दीदी मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती, जरूर मुझे विश करने आई होंगी। भाभी क्या कर रही हो यार? इंदिरा दीदी मैं जानती थी आज का दिन आप नहीं भूल सकती हैं। भाभी तुम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए हो ना सुमेंद्र? नहीं नहीं नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमने मैडम जी के सरप्राइज प्लान किया है, उसे खराब मत करो, अभी विश मत करना, ठीक है? चलो नाटक शुरू कर। अरे लेकिन हम तो मैच, हाँ मैच देखने आए हम। भाभी हम तो वो मैच देखने आए हैं, यहाँ पे सब लोग थे, आप ही नहीं थे। हम चाहते हैं ना कि आप हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाएं। क्या है ना, हम मैच देखते देखते खाना चाहते हैं। अरे तुम हमें पहले बता देती कि तुम और समर आने वाले हो तो तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाते ना। तो क्या हो गया माँ जी? इंदिरा दीदी आपको जो खाना है बता दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। पकौड़े आपका होगा, ये रसोई में जाएगी तो हम केक कैसे बनाएंगे?
नहीं नहीं तुम रहने दो, हम बना लेंगे। अरे माँ जी ऐसे कैसे रहने दो, मेरे होते आप क्यों करेंगी, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। बताइए इंदिरा दीदी क्या खाएंगी? हमको जाना है डॉक्टर के यहाँ बिटिया। अभी इस उम्र में अकेले जाया नहीं जाता बिटिया। हाँ भाभी अपना दादाजी के साथ जाइए, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। हम सब है ना यहाँ पे, अम्मा हम आपको मदद करते हैं रसोई में। हाँ ठीक है दादाजी, मैं आपके साथ चलती हूँ। बस मैडम जी अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते आपको सरप्राइज देने का और आपकी उस प्यारी सी स्माइल का। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। मैडम जी वो हमें थोड़ा काम है, हमें थोड़ी देर में आना है।